नमस्कार, स्वागत है इसके खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तित पाठी। साल 2020 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो इस वर्ष की शुरुआत से मुश्किलों से जूझती आ रही है, उसकी मुश्किलें खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती दिख रही है। दरअसल अब चुनाव आयोग ने कमलनाथ के करीबी रहे 3 IPS अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने ये निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर दिया है। आपको याद दिला दें कि बीते साल यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ के करीबियों के यहां आयकर की छापेमारी हुई थी। CBDT ने इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर उसे चुनाव आयोग को भेजा भी था, जिस पर अब आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की बात कही है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई और बड़े नामों पर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि मामला कांग्रेस सरकार के समय का है। ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, बल्कि किसी पर भी कार्रवाई होने के बाद कांग्रेस की साख पर बट्टा भी लगेगा। मुद्दा बड़ा और गर्म है। ऐसे में आज हम इस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां कांग्रेस की भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। अपने 2 साल के शासन में भूपेश सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई कार्य किए हैं, जो धरातल पर नजर भी आए हैं। सरकार की कई योजनाएं, खासकर किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ने तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने 24 महीने के अब तक के कार्यकाल में हर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगातें भी दी है, जिससे न सिर्फ लोगों का जीवन संवरा है बल्कि उनकी जिंदगी आसान भी हुई है। कोरोना के भीषण काल में भी सरकार ने विकास की गति को कभी नहीं रुकने दिया और 36 में से किए गए 24 वादे भी पूरे कर दिए। आखिर भूपेश सरकार के ये 2 साल कितने बेमिसाल रहे हैं, जनता मांगे जवाब में पहले बात इसी बात को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन 2 सालों में सरकार ने तमाम चुनौतियों के बीच कई उपलब्धियां हासिल की है। सरकार का दावा है कि जनता से जो 36 वादे किए गए थे, उनमें 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं। खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और छत्तीसगढ़ियों में स्वाभिमान की भावना को जगाने की दिशा में सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात खुद सरकार तो कह ही रही है, साथ ही ज्यादातर विश्लेषकों का भी यही कहना है। तो चलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों, वादों और चुनौतियों पर चर्चा करें। पहले ये कि 2 बुछर अब्बर सुग्गर कैसे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ियों माटी पुत्रों की, किसानों की किसनहा गवहिया छत्तीसगढ़िया सरकार, और इस सरकार के मुखिया हैं ठेठ छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल। बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 2 सफलतम साल पूरे कर लिए हैं। इन 2 वर्षों में भूपेश सरकार का यही दावा है कि जो भी वादे किए गए थे, उनमें से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जो वादे किए हैं, उसमें किसानों की कर्ज माफी, 2500 रुपए में धान खरीदी, मनरेगा के तहत गांव-गांव में रोजगार, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी, पढ़ई तुहर द्वार, 4000 रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना, राम वन गमन पथ के साथ सिंचाई, सड़क, बिजली का विस्तार जैसी कई योजनाएं और कार्य शामिल हैं। वहीं भूपेश सरकार के सामने अभी भी जो चुनौतियां हैं, उसमें शराबबंदी, स्काई वॉक, नक्सलवाद का खात्मा, आदिवासियों की रिहाई, नवा रायपुर प्रभावित लोगों को न्याय जैसे वादे शामिल हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले 3 वर्षों में किस तरह कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं। वहीं जो वादे पूरा होना बाकी हैं, उसे भूपेश सरकार किस तरह और कब तक पूरा करती है, और अगले 3 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर कितना आगे लेकर जाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो भूपेश सरकार के 2 साल बेमिसाल,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता है रमेश बल्यानी जी। बल्यानी जी आपका स्वागत है। अर्थशास्त्री है तपेश चंद्र गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी और के अग्नोत्री जी हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। चलिए, जब सरकार अच्छे काम करे तो चर्चा भी अच्छी होनी चाहिए और इस अच्छी चर्चा की शुरुआत बल्यानी जी आपसे ही करते हैं। ऐसी जो भी योजनाएं हैं उनका जनता को कितना लाभ मिला है और आने वाले समय में इन योजनाओं का क्या परिणाम होगा, क्या प्रतिफल होगा? बल्यानी जी। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो रोड मैप तैयार किया है जी, वो रोड मैप जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर मेल खाता है जी। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पहले किसानों का कर्जा माफ किया जी, और उनको उनकी उपज का दाम, धान का दाम 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देने का काम किया जी। गोबर योजना के माध्यम से, गोबर के माध्यम से, वहां गोबर खरीदी के माध्यम से रोजगार देने का काम किया ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिले और गांव की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो शहर का व्यापार उद्योग मजबूत होगा जी। शहर और गांव एक दूसरे के पूरक हैं जी। 70% आबादी रहती है गांव में, 30% आबादी रहती है शहर में जी। तो भूपेश बघेल जी का रोड मैप ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे दीजिए तो अपने आप व्यापार उद्योग में वो पैसा खर्च होगा जी, परचेसिंग पावर आएगा तो वो शहर में आके खर्च होगा। और ये इसका हमने नायाब उदाहरण देखा है कि कोरोना काल में भी जब हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मंदी की स्थिति थी, छत्तीसगढ़ में मंदी से ऊपर था, मंदी यहां नहीं आई, मंदी की आड़ तक नहीं पहुंच पाई जी। वो इसलिए कि आम आदमी के हाथ में परचेसिंग पावर दिया हमने, सबसे बड़ी चीज ये है जी। दूसरा, उन्होंने एक जो औद्योगिक नीति बनाई है जी, उस औद्योगिक नीति में जो रियायतें दी गई हैं, जो उसका भी एक अलग जो रोड मैप बनाया है कि यहां का जो वन उपज है उसको प्रोसेसिंग के लिए यूनिट दिए जाए ताकि वनोपज का जो मूल्य है उनको उसमें वैल्यू एडिशन होकर उनको मिले, उस दिशा में काम करने का काम किया है। और वनोपज भी हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं जी। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए भी उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है उसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा दी है कि आप ग्रामीण अंचल में लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी जी, ताकि शहर से दूर यदि गांव में यदि रोजगार कारखाने लगते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं जी, उनके लिए सरकार की खरीद योजना को आज ही मंत्रिमंडल फैसला किया है कि जो सरकारी जो भी खरीदी होगी वो स्थानीय उद्योगों से ही की जाएगी जी। तो जो स्थानीय उद्योगों के पास मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता था वो भी खत्म हो जाएगा जी। ये एक मूल जो आधार है अर्थव्यवस्था का, शहर और गांव दोनों को मिलाकर, किसान और उद्योग और व्यापार को मिलाकर, ये एक बहुत बड़े उपलब्धि का काम भूपेश बघेल जी ने किया है जी। राह तो बहुत सारी दी है, मैं तो बहुत लंबा गिना सकता हूँ, लेकिन मूल ये है जी, यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं जी, तो विकास अपने आप हो जाएगा। ये भूपेश बघेल का एक नया विकास मॉडल है और वो इसलिए हो पाया है कि वो खुद एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको किसान की समस्या, जमीन की समस्या, कृषि की समस्या की अच्छी जानकारी है जी। उस आधार पर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है जी, और साथ साथ उद्योग को भी दी है। बिल्कुल बल्यानी, जैसे आज गिनाने का ही वक्त है, आज लंबा गिनाने का ही वक्त है, क्योंकि 2 साल बेमिसाल है भूपेश जी के। हम आपके पास आएंगे और ये जानेंगे, अभी हम चलते हैं तपेश जी के पास, आपके पास आएंगे और ये जानेंगे कि ये योजना का आखिर जन्म कैसे हुआ, किसकी सोच थी कि जो 15 साल में रमन सरकार नहीं कर पाई वो भूपेश सरकार ने कर दिया, और उनके मुख्य संगठन, ये तो अनुसांगिक संगठन है, उनके मुख्य संगठन माने संघ ने उनका कैसे स्वागत किया, क्यों किया, ये योजना का जन्म कैसे हुआ, किसकी सोच से हुआ, हम आपके पास आएंगे जानेंगे। तपेश जी, हम इस कोरोना काल में खासकर जिस तरह से बाकी जो राज्य हैं उनमें आर्थिक मंदी का प्रभाव हुआ, पूरे देश में आर्थिक मंदी का प्रभाव हुआ, सारी बातें रही, लेकिन
छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाई गई कि वहां आर्थिक मंदी नहीं दिखी और आर्थिक मंदी के चपेट में छत्तीसगढ़ राज्य नहीं आया? छत्तीसगढ़ राज्य पहले भी नहीं आता और अभी भी नहीं आता, और अभी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम लोगों ने किसानों को अधिक मूल्य प्रदान किया जी। उनके पास पैसे आ गए जी। अब वो पैसे जब आए तो उसको वो विनियोजन की ओर और उनकी क्रय क्षमता बढ़ी जी। जब एक व्यक्ति बाजार में पैसा लेके पहुंचता है जी। तो उसका सर्कुलेशन होते चले जाता है जी। उसका लाभ प्राप्त हुआ जी। अब बात ये है कि अब हम ये लाभ तो प्राप्त कर लिए, बाजार को हमने मेंटेन कर लिया जी। पर इसके बाद कितनी पूंजी हम भविष्य के लिए संचित कर पाते हैं इस बात पे ध्यान देना होगा जी। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में बाजार आबाद रहा उसका मुख्य कारण था नरवा गरवा घुरवा बारी जी। पानी संचित रहा, लोगों ने खेती की, और मैंने स्वयं बात इसमें एक इंटरनेशनल पेपर लिखा, इंटरनेशनल जर्नल में छपा भी, उसका इंपॉर्टेंस मिला। आज ही मुझे पूछा गया उसके बारे में कि आखिर ऐसा क्या जादू इन चीजों के जिसके कारण हुआ जी। लोगों ने अपने बगीचे की सब्जी बाजार में लाके किसान खुद बेचा जी। बड़े बड़े जो किसान थे जो सब्जियां लगाया करते थे वो बाजार में नहीं आ पाए, पर छोटे व्यापारी, छोटे दूध वाले, छोटे पशुपालक बाजार में अपने आवश्यक आवश्यकता की वस्तु लेके आए जी। तो उनके आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उनके परिवार के सदस्य मिले, प्रत्येक सदस्य को रोजगार मिला। इसके बाद गाय के पालन से जो पशुधन मिलता है जिसे गोबर भी है, गौमूत्र भी है, तो इन सब चीजों को लेकर जो कार्य किया गया वो बहुत सकारात्मक कदम रहा जी। फिर नरवा गरवा घुरवा, अब ये कंपोस्ट खाद बनाने की बात कर रहे थे जी। अब हमने किसी कार्य में लगे हुए हैं और हमको अपने ही चीजों से खाद मिल जाए और हमको रासायनिक खाद के लिए अपने जेब से पैसा ना देना पड़े, हमारी थोड़ी सी भूमि में जो संचित हो रही है और हम उसी को री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो उससे पैसा की बचत भी हो रही है और उसके कारण बीमारियां नहीं हो रही है, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ रही है, जल संचित करने से जमीन की भी उर्वरक शक्ति बढ़ रही है। तो ये जो योजना थी साहब, वास्तव में भूपेश बघेल जी जमीन से जुड़े हुए कृषक है। आप देखिए उनके बच्चों के पालन पोषण खिलाने के तरीके, गेड़ी यात्रा, पुण्य में स्नान, ये सब चीजें बताती है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी है। इस प्रकार की गतिविधियों से जो संस्कृति जो थी छत्तीसगढ़ की उसको संबलता मिली, हम ये समझने में साकार हुए कि हमारी संस्कृति हमारा गर्व का विषय है और यदि अगर हम अपने परंपरागत कृषि व्यवस्था को बना के रखेंगे तो हमारी आर्थिक संबलता भी प्राप्त होगी जी। कल भूपेश बघेल जी ने एक चीज कही, कभी भारत सोने की चिड़िया थी और आज नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है? उन्होंने बताया पहला भारत व्यापारिक देश था, आज कृषि प्रधान है जी। आज हमको फिर व्यापारिकता की ओर वापस ले गए हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर हमारा गांव संबल हो गया, अपने गांव का रोजगार बढ़ने लग गया तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों के पास धन होगा, लोगों से संचित करेंगे, पूंजी निवेशित करके व्यापार का विस्तार होगा। और ये क्रम को भूपेश बघेल जी ने पकड़ा है। गांधी जी का जो स्वराज आंदोलन का आपका मूल मंत्र था, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे की वह एक विनोद भावे जी का कथन था, उन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये सही कार्य योजना है और इसे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात, यदि अगर केंद्र सरकार जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयियों को तनख्वाह 1 तारीख को दे देती है, 1 तारीख के पहले दे देती है, आखिरी दिन दे देती है, अगर छुट्टी है तो 2 दिन पहले दे देती है, अगर ऐसे ही GST ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर 1 तारीख को 4 तारीख 5 तारीख 10 तारीख जो तारीख निर्धारित कर दे, उसके बाद वो पैसा का ट्रांसफर कर दे स्टेट को, स्टेट कर्ज से मुक्त होगा और उसकी योजनाएं संचालित होती रहेगी। अगर सरकार वास्तव में केंद्र सरकार इस बारे में सशक्त है तो उनको इन योजनाओं पर विचार करना चाहिए। अगर ये राशि समय पर मिलने लग गई तो मैं बोलता हूँ देश का सबसे उन्नत राज्य होगा छत्तीसगढ़। ऐसी योजना लगाने से सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे महाराष्ट्र को भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा, हर राज्य को। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से रखना है। आखिर उस पैसों को आप अपने पास रोक के क्या कर रहे हैं जी? वो राज्य की योजनाओं में विकास के काम तो आए। अगर राज्य विकास के कार्य में नहीं लाता है, उसको फिजूल खर्च करता है, तो आपके पास AG बैठा हुआ है, आप उसे ऑडिट कराइए, लोकल फंड पड़ा हुआ है उसे ऑडिट कराइए,
और एक सामाजिक समरसता पैदा कीजिए। जी, जबकि सामाजिक समरसता हर राजनीतिक दल का नारा है, तो वो आप स्वरूप लाइए। और आर्थिक रूप से किसी प्रदेश को कमजोर करके राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं हो सकती। तो जीएसटी की राशि को एक निर्धारित तिथि को वापस करने की योजना चाहिए, और यह राशि व्यापारी को भी वापस होनी चाहिए जो उसके रिफंड है। और जो क्लेम है, अगर वह क्लेम नहीं देता है व्यापारी, तो उसे पेनाल्टी हायर रखिए आप। पर यह व्यवस्था बनाइए, आर्थिक सुदृढ़ता अगर आपने लाई, कसावट लाई, तो पूरा देश विकसित होगा। आज हम 2 साल में प्रदेश की प्रगति को देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर इस चीज को लागू करें तो हमको साल भर में इसका आउटपुट दिखने में लग जाए और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय होगा। मैं तो ये कहता हूं, नरवा गरवा घुरवा पारी, यह सिर्फ राष्ट्रीय योजना नहीं होनी चाहिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर रखना चाहिए। यह एक ऐसी योजना है साहब कि हर देश का पूरे विश्व का हर शहर हर गांव संपन्न होगा। जी। एक चीज मैं और अपेक्षा करता हूँ भूपेश बघेल जी की, गांव के पंचायत में बैठक होती है, पूरा बैठक छत्तीसगढ़ी में संचालित होती है जी। और उसका जब कार्यवाही ग्रहण लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है और कहा जाता है ये छोड़ो ना यार, ये छत्तीसगढ़ी बोला था, अपने को नहीं मालूम। तो यदि अगर कार्यवाही विवरण छत्तीसगढ़ी में लिखा जाए जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गई है, कामकाज की भाषा बन गई है, तो उसमें अगर लिखा जाए तो सही रूप सामने आएगा गांव का और हमको निर्णय लेने में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम और होना चाहिए, हमारे पास कर्मचारी अधिकारियों के बीच विवाद पैदा हो रहा है, कार्यों का बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है, विभागीय जांच हो रहा है तो पेंडिंग में पड़े रह रहा है। यदि अगर 2021 का एग्जाई नियम बना लिया जाए, जो बीच बीच में परिवर्तन हुआ है, जिसको भूल गए हैं लोग, बाग जानते नहीं है, उसके नाम से झगड़ा होता है, सही रूप सामने आ जाए, नियमों में पारदर्शिता आ जाए, एकजुटता है, एग्जाई होकर सामने आ जाए, तो मैं कहता हूं प्रदेश सरकार एक कुशल प्रशासकीय निकाय के रूप में, जिसे कहा जाता है गुड गवर्नेंस का, उसका खिताब भी जीतेगी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। तो प्रशासन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्य में योगदान और राष्ट्रीय योगदान, सब कुछ इसे संचित होगा, क्योंकि यह राज्य प्राकृतिक रूप से वन संपदा के रूप में, खनिज संपदा के रूप में, उद्योग के रूप में और श्रम शक्ति और कृषि पे भी अग्रणी है, तो इसको उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये 3 वर्ष जो बचे हैं उसमें ये चीज की मैं अपेक्षा करूंगा। जी, मतलब ये कि जीडीपी जहां पूरे देश में गिर रही है और उसके कारण देश और प्रदेश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, वहां भूपेश जी ने ग्रामीण व्यवस्था को अच्छे से मजबूती प्रदान की है, किसानों को नरवा गरवा गोरू इस योजना के तहत उन्होंने किसानों को संबल प्रदान किया है और ग्रामीण क्षेत्र को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण आर्थिक मंदी की मार पूरे प्रदेश में नहीं पड़ी, यहां तक कि शहरों में नहीं पड़ी। आपके कहने का मतलब ये 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जी जी, तो उसका लाभ तो प्राप्त होगा ही जी। अगर 70% उन्नत हो रहे हैं तो प्रदेश तो आगे प्रगति की ओर जाएगा ही जी। त्रिपाठी जी एक बड़ी बात यह भी हुई है जी कि कोरोना काल में जहां लॉकडाउन के चलते सारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद हो गई जी, लेकिन खेती ही कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जी जहां खेती किसानी चलती रही, उसी ने हिंदुस्तान के जीडीपी को बचाने का काम किया है जी। ये तो देश को किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जी कि लॉकडाउन में भी उन्होंने खेती और किसानी को बचा के रखा और फसल अच्छा उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड तौर उत्पादन हुआ है जी। ये गौर करने की बात है जी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए जी कि पूरे देश में सब्जी की फसल, सब्जी की आपूर्ति, दूध की आपूर्ति कहीं बाधित नहीं हुई। और देखिए, चाय इतना बिकता था, कहीं पे दूध भी सरप्लस में मिला, क्योंकि उस हिसाब से किसान ने उसका कंजम्पशन किया, उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये चीज को हमको तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, निश्चित तौर पे हम लोग चर्चा करते हैं, जब डिबेट भी होती रहती है, तो जितने भी विश्लेषक रहे हैं, चाहे रमेश शर्मा जी रहे हो, अग्निहोत्री जी रहे हो, आपने भी, ये बात तो सही है जो तपेश जी ने कहा है कि आर्थिक मंदी इसलिए नहीं चूझा छत्तीसगढ़ आर्थिक मंदी के दौर से, क्योंकि गांवों को उन्होंने संबल बनाया, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर के मजबूत करने का प्रयास किया, जिसका असर शहरों तक पड़ा। इस बात को हम लोगों ने माना है कि किसानों के मामले में भूपेश जी ने वाकई किसानों को खुश किया है और किसानों तक भूपेश जी की जो योजनाएं हैं उसका किसानों को फायदा भी मिला है, पहुंची है योजनाएं वो। अब ऐसी स्थिति में
आपका आकलन क्या है, जितनी भी योजनाएं हैं उनकी उसमें क्या प्लस था, किस तरह से उनको और ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सकता है जिससे किसान मजबूत होगा? तो जिस तपेश जी ने कहा किसान मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अभी अभी मैंने ये भी दो दिन पहले ही बात हुई थी कि राजीव गांधी न्याय यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने, आप भी थे, उनसे उसका पूरा खाका मांगा है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार कोई योजना अगर चला रही है तो उस योजना का माइनस पॉइंट ढूंढने के लिए नहीं मांगा होगा, उन्हें देखा होगा कि इस योजना बहुत अच्छी किसानों तक जा रही है, किसान इससे खुश हैं, तो हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको योजना को लागू किया जाए। वो अलग मुद्दा है कि किस नाम से हो, लेकिन उस योजना पे उन्होंने अमल करने की सोची है, ऐसा आपने भी निर्णय बताया था। क्या कहना है आपका, क्या टिप्पणी है आपकी इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, पहले तो अपन बैठे हैं 2 साल के काम के रिकॉर्ड कार्ड देखने के लिए, जी रिपोर्ट कार्ड जी, लेकिन वास्तव में देखिए भूपेश सरकार जब सरकार में बैठी तो उसके बाद लगातार लोकसभा चुनाव आ गए, पंचायत का चुनाव हो गया, स्थानीय चुनाव हो गए, तो 5-6 माह तो उसी में खराब हो गया इनका, तो काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये रोक थी काम करने में जी। लेकिन जो पहला जैसे ही एक गद्दी पे बैठे, और देखिए एक मुख्यमंत्री जब शपथ लेते के तत्काल बाद जो है अपने मुख्य सचिव के साथ पहली बैठक करता है, आपको भी अंदाज होगा इस बात का, और अपने घोषणा पत्र की प्रति उसको सौंपता है और ये कहता है कि इस पर इसके हिसाब से जो है हमको काम करना है, और वहां पर प्राथमिकताएं तय करके देता है जी। तो प्राथमिकताएं तय करने में 2 काम तो उन्होंने तत्काल प्राथमिक स्तर पर किए, पहला किया किसान कर्ज माफी और दूसरा किया राजीव का ये अपने बिजली हाफ का, ये दोनों तो तत्काल कर दिया, और आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी जी। तत्काल मतलब देरी नहीं की जी। ये हुई शुरुआत। और दूसरी चीज क्या है, ये होने के बाद में आप एक बड़े ध्यान से देखने की बात है कि जहां तक सोच मुख्यमंत्री की जो है ये है, क्योंकि वो किसान है खुद ही, खुद जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी सोच जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये है कि शहरी लोग तो लगभग सक्षम होते हैं अपने पेट पालने के लिए, अपने रास्ते बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था करने के लिए वो सक्षम होते हैं, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो अपना रास्ता नहीं बना पाते, अगर वो कहीं कमजोर पड़ गए तो वो कमजोर ही रह जाते हैं, वो मजबूत होने की स्थिति में जब तक कोई सहयोग न हो नहीं कर पाते। तो देखिए छत्तीसगढ़ की भाषा इतनी मीठी है, और इसी मीठी भाषा के पीछे जो है इनकी सोच भी यही है कि विकास भी ऐसा हो कि जिसमें लोगों को मिठास महसूस हो, और ये प्रयास जो है इन्होंने किया है। विकास भी 3 तरीके के होते हैं त्रिपाठी जी, एक तो विकास अधोसंरचना का विकास होता है, वो नजरों के सुख के लिए और सुख सुविधाओं के लिए होता है, जो अच्छा लगता है बुरा नहीं है वो भी होना चाहिए, वो काम डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत ज्यादा किया, इसीलिए उनके ऊपर में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, बहुत सारी चीजों में अभी तक चल रहा है मामला जी। वो सुविधाओं के लिए जरूर ठीक हुआ, उस समय में पीडीएस एकमात्र ऐसा काम था उनका जो पेट की भूख समाप्त करने के लिए था, अन्य कोई ऐसा मामला आता नहीं। पेट की भूख मिटाने का जो विकास होता है वो जीवन से जुड़ा हुआ विकास होता है जी। और उसके आगे एक विकास और मैं गिनता हूँ कि गरीब को सक्षम बनाने का प्रयास होता है। मैंने महसूस किया है कि भूपेश बघेल गरीबों के, किसानों के पेट की भूख मिटाने के लिए जुटे हुए हैं, और उनकी योजनाएं जितनी भी योजनाएं आप गिन लीजिए, मैं कई बार गिना चुका हूं, उसमें से 85% योजनाएं जो इन्हीं गरीब किसान लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए बनाई है उन्होंने, और उसको सक्षम बनाने का प्रयास जो उनका, वो विकास का तीसरा चरण जो है मैं कह रहा हूं, गरीब को सक्षम बनाने का प्रयास में भूपेश इसी ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक 1 साल के अंदर में काम करने का मामला है, त्रिपाठी जी हमारे सबके सामने है, लोग कहते हैं जब हम इसकी तारीफ करते हैं तो लोग कहते हैं कि शर्मा जी आजकल कांग्रेसी हो गए हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं, उससे हमको कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बात सामने है जो आ रही है, गोठान योजना क्या चीज है, गोठान योजना किसी ने सोचा था, खत्म हो गई थी, लुप्त प्राय हो गई थी गांवों से, जबकि आधार है गोठान, गोठान जो है वो आधार होता है गांव का, ये आपके नरवा गरवा घुरो वाली क्या चीज है, अर्थव्यवस्था की नींव है ग्रामीण क्षेत्र की, आप उसको उसको उस पर विचार करेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे, समझ में आएगा कि भूपेश बघेल कितना बारीक सोच रखते हैं। और बारीक सोच की एक बात आपको मैं बताता हूँ, घरसा योजना, घरसा विकास योजना, घरसा विकास उसको बोलते हैं जो खेत खलियान में जाने के रास्ते होते हैं त्रिपाठी जी, मजदूरों के
उसको उसको भी सड़क बना देने की बात उन्होंने की है। कितनी बारीक सोच, जो एक किसान ही समझ सकता है कि कितनी तकलीफों से कांटों से गुजरते हुए जो है वो किसान अपने खेत खलिहान तक जाता है। तो ये सोच जो है ये सब महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है सुपोषण पर उनका ध्यान, मात्र शिशु दर की मृत्यु की तरफ उनका ध्यान, मैंने एक व्यापक सोच जो है वो समझ में आ रही है। और निश्चित रूप से जो है एक साल के अंदर जितना काम होना चाहिए, दो साल के अंदर जितना काम होना चाहिए, इन्होंने इस सरकार ने एक साल में ही करके दिखा दिया, क्योंकि एक ही साल का समय इनको काम करने के लिए मिला था। दो साल का हम भले ही व्याख्या कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की, लेकिन एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। बिल्कुल सही कहा, मतलब इसमें 36 में से 24 काम उन्होंने दो साल वादे पूरे कर दिए। इसको आप भी जानते होंगे, इसमें अगर ये माना जाए कि भूपेश जी जनसेवक हैं, प्राइमरी में आप देखते होंगे जब पढ़ते हैं तो ए ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड दिया जाता है, सी ग्रेड दिया जाता है, बी प्लस दिया जाता है अगर वो 60% नीचे है, तो ये सुपर डिस्टिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ए ट्रिपल प्लस दे रहे हैं आप। देखिए छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल ए प्लस है ये, उस तरह बढ़ रहे हैं। वनोपज का मूल्य साहब हमारे छत्तीसगढ़ का आपने भी सुना होगा, चिरौंजी के बदले नमक देकर के लोग ठगा करते थे यहाँ के लोगों को। जी। वनोपज में हर्रा बेहरा आंवला कई चीजें जो थी, चार से चिरौंजी निकलती है, तो ये सारी चीजें जो है उनका भी मूल्य उन्होंने लगाया, जो मुफ्त में दे देते थे लोग नमक के बदले में, उनका भी मूल्य लगाया, उनको मूल्य में खरीदने के लिए जो सरकार खुद तैयार हुई है, बताइए बाजार वो उपलब्ध कराया उनको, ये बहुत बड़ी बात है। गोबर जैसी चीज जिसे कभी कल्पना हमको भी नहीं थी, कभी कल्पना कि गोबर को खरीदने की कोई योजना हो सकती है, हमको भी एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब उसकी गहराई में उतरे हैं तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी सोच है, कितनी गहराई की सोच है, ये समझ में आया है। ये सोच क्यों किसी शासकों को नहीं आती है। आज वो आपने अभी कहा कि सरकार ने बुलाया है, केंद्र सरकार ने यहाँ के राजीव गांधी न्याय योजना को, मैं सकारात्मक इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि नकारात्मक करना होता केंद्र सरकार को तो शुरुआत में ही रोक दिया होता ताकि इसका प्रभाव न बढ़ पड़े, लेकिन अब बुलाया है तो निश्चित रूप से आज का जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है उसका समाधान शायद इसमें वो खोजने का प्रयास करेंगे कि हर राज्य में अगर 25 रुपए में धान खरीदना शुरू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा दर में जो है, माने राज्य जितने में चाहे खरीद ले, ऐसी अगर व्यवस्था कर दे तो शायद किसान मान जाए, ये सोच से बुलाया होगा, ये मैं सकारात्मक मेरी सोच है। बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा याद आता है, मैं रमेश जी के पास चलूंगा, लेकिन गोबर खरीदी वाली योजना तो वाकई में आज से बहुत साल पहले 90-91 के आसपास की बात हो, आपको ध्यान होगा अंबिकापुर में एक गांव था आदिवासियों का जहां रवई पंडो नाम के एक व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु हो गई थी, उसके पोते की भी मृत्यु हो गई थी, उसके पास काम नहीं था, लंबे समय से उसके यहाँ कोई भोजन नहीं था। ऐसे समय पे अगर जिसके पास काम नहीं है वो उठ के हर जगह गोवंश हर जगह है आप जानते हैं, अगर वो जाकर के गोबर ही बीन करके बेच आता है तो मुझे लगता है 25-50 रुपए उसे मिल जाते हैं तो उसका पेट भर जाएगा। इस योजना की तो वाकई में प्रशंसा यहाँ नहीं पूरे देश में हो रही है। ये अलग बात है कि पक्ष विपक्ष होने के नाते लोग उसमें किंतु परंतु शब्द जैसे जोड़ रहे हैं, किंतु परंतु जैसे शब्द, लेकिन ये योजना तो एक गरीब परिवार के लिए जहां दो जून की रोटी उसको नहीं मिलती है उसके लिए योजना तो वाकई में बहुत जबरदस्त योजना है। एक बात जोड़ना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में सरकारें चलाई है, कई जोगी जी ने भी चलाई, रमन सिंह ने भी चलाई, एक नयापन एक दिख रहा है जो छत्तीसगढ़ या ठेठ छत्तीसगढ़ या स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। और जो है नक्सल जो पहचान थी इसकी की, अरे छत्तीसगढ़ तो नक्सली क्षेत्र है, हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे स्टेशन में उतरेंगे तो नक्सली हमको पकड़ लेंगे, जो ये छवि बनी हुई थी वो छवि टूट रही है। और ये राज्य जो है गौ सेवक राज्य है, राम के ननिहाल के रूप में और आदिवासी नृत्य संस्कृति के रूप में जो है प्रतिष्ठा पाने की तरफ बढ़ रहा है। जी श्री बल्याणी साहब, मैंने जाते जाते आपसे सवाल किया था कि ये योजना आखिर कहाँ से पनपी, कहाँ से जन्म ली, कि संघ के बड़े वरिष्ठ लोग जाकर के मुख्यमंत्री निवास जाएं और उनको सम्मानित करें के मामले में। आप भी जानते हैं जनसंघ के जमाने से गाय का मुद्दा जनसंघ के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, जनसंघ की ही पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के लिए गाय का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा, ये आखिर कहां से पकड़ लिया आप लोगों ने, जो रमन सरकार के 15 साल स्वागत नहीं हुआ भूपेश जी का पकड़ा होगा? नहीं है जी। देखिए त्रिपाठी जी, जी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गाय का मुद्दा है ना जी, वो वोट के लिए है गाय जी,
हमारे लिए वोट के लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुद्दा है जी। और वो इसलिए आए कि भूपेश बघेल जी किसान परिवार से आते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, और ग्राउंड रियलिटीज जाने के बाद उनमें विजन है जी। तो उस विजन और ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर उन्होंने अपने मिशन में काम किया है जी। ये मिशनरी है उनके दिमाग की जी। और आपको बता दूं कि वो फीडबैक लेने में विश्वास करते हैं जी। ग्रामीण अंचल में तो उनको पूरी जानकारी थी, लेकिन इंडस्ट्री और व्यापार के बारे में पूरी फीडबैक उन्होंने उद्योगपति को बुला के लिया, रियल इस्टेट में क्या तकलीफ है उनको बुला के लिया। रियल इस्टेट में 30% हमने जो रेट है 30% कटौती कर दी, रजिस्ट्री का खर्च में कम कटौती कर दी जी। तो रियल इस्टेट हमारा डेवलप हो गया। उद्योगों की जो समस्याएं थी, रॉ मटेरियल की स्टील बहुत महंगा मिलता तो स्टील उनको कम कीमत में मिले रॉ मटेरियल ग्रुप में, उस पर प्रयास किया। तो ये सारा फीडबैक लेने के बाद वो योजनाओं बनाते हैं, इसलिए सफलता के शिखर पर हम लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है जो उन्होंने कह दिया वो कर दिया, आपको क्रियान्वित मिलेगा जो कहा सो किया जी। बिल्कुल। आप विश्वास करते हैं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है जी, बल्लाड़ी जी बिल्कुल। के लोगों को कहा था बिजली बिल हाफ मिल ही रहा है जी, एपीएल वालों को राशन मिल ही रहा है बिल्कुल। गरीब के साथ मध्यम वर्ग उच्च वर्ग सब समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया है जी। चलिए अब निश्चित तौर पे 3 साल जब होंगे तो उसको डबल बेमिसाल करेंगे, और भूपेश सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे, और हमारे लिए बल्याणी जी बेमिसाल कांग्रेसी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बल्याणी जी आपका, तपेश जी आपका, और बाबूलाल जी आपका हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना काल में आर्थिक संकट की चुनौतियों से निपटते हुए जो विकास कार्य किए गए उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार जल्द ही वो सभी वादे भी पूरा करेगी जो उसने जनता से चुनाव पूर्व किए थे। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भूपेश सरकार अपने कार्यकाल के जो 3 वर्ष शेष है उसमें सभी वादों को पूरा कर वह जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। बहरहाल, छत्तीसगढ़ के बाद चलिए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां कटघरे में कांग्रेस है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के वक्त पड़े आयकर छापों में FIR दर्ज होने के बाद क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या गुजरते समय के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सवाल ये भी है कि चुनाव के दौरान अघोषित लेन देन के मामले में अधिकारियों के साथ ही कांग्रेसियों पर कार्रवाई होने से क्या पार्टी की साख पर भी बट्टा लगेगा? निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन जिस तरह से छापों को लेकर CBDT ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है और उसके बाद आयोग की ओर से कमलनाथ सरकार में पावरफुल रहे अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की बात कही गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चलिए इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से बात करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट।